और पानीपत में अनाज मंडी के आढ़तियों ने ई ट्रेडिंग के विरोध में एक बार फिर से मुहिम छेड़ दी है। आढ़तियों ने सरकार से ई ट्रेडिंग प्रणाली खत्म करने की मांग की है। इसके लिए मार्केट कमेटी के अफसर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया। प्रदेश की अनाज मंडियों में ई ट्रेडिंग की हालांकि मिली जुली प्रतिक्रिया है, इसके बावजूद आढ़ती ई ट्रेडिंग यानी फसलों की ऑनलाइन खरीद, ग्रेडिंग और भुगतान सीधा किसान के खाते में जाने का विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को पानीपत के आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के सचिव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें ई ट्रेडिंग प्रणाली को वापस लेने की मांग की गई। सर्वे कर लिया पूरे हरियाणा में किसानों का, कोई भी किसान सीधी पेमेंट लेने के तैयार नहीं। पंजाब में पहले सर्वे करा था, पर पंजाब में भी 10-5 आदमी हाईकोर्ट का रफड़ा पड़ा था, 10-5 किसान मिले थे, उन्होंने तो वो 5-10 ही ले रहे थी पेमेंट। इससे हमारे जमींदारों को भी दिक्कत है और आढ़ती भाइयों को भी दिक्कत है। हर साल की तरह हमने पहले भी ज्ञापन दिया है, लेकिन हर साल आढ़ती इसी वजह से परेशान रहेंगे तो कैसे काम चलेगा आढ़ती भाइयों का। ये ई ट्रेडिंग के विरोध में आढ़ती एसोसिएशन ने जो मांग पत्र दिया है, जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी पानीपत चंडीगढ़ के ग्राउंड के ना होने की वजह से मैं राजबिन्नेरा मंडी सुपरवाइजर ज्ञापन ले रहा हूँ और ये उनकी शिकायत पहुँचा दी जाएगी। गौरतलब है कि आढ़ती मंडियों में ई ट्रेडिंग का विरोध ज्यादातर इसलिए भी कर रहे हैं कि किसान के लिए आढ़ती हमेशा से 24 घंटे का बैंक रहा है। रात दिन पूरा साल कभी भी पैसों की जरूरत हो तो आढ़ती किसान की जरूरत ब्याज पर रकम देकर पूरी करता है और फसल आने पर अपना पैसा काट लेता है। सरकार को लगता है कि आढ़ती या बिचौली की वजह से किसान का आर्थिक शोषण होता है, इसीलिए और सेवाओं को ऑनलाइन करके डिजिटल हरियाणा बनाना भी सरकार की प्राथमिकताओं में है। चलिए देखिए आढ़तियों की इस मांग का क्या होता है। सहयोगी कपिल के साथ पानीपत ब्यूरो की रिपोर्ट।